ऊपर से ढोलक पर संगत दे रहे हैं ज्वाला प्रसाद जी आकाशवाणी कलाकार हैं ग्राम लालों से, और जो आपके सामने पैर की झनकार सुना रहे हैं हमारे बड़े भाई रामजीत जी बरीका से, आपके सामने गायक है चौधरी कन्हैया कुमारी गांव एमएस शौक मथुरा से। सुनेंगे साहब झुकड़ी बजनों का प्रोग्राम भैया जी। हाँ जी, सभी से वही करवा निवेदन जिस प्रकार से आप सभी झकड़ी बजनों का आनंद लेते हुए आ रहे हैं उसी प्रकार से आनंद लीजिएगा। लेकिन सर जी, किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया और दोहा के माध्यम से जवाब दिया है, सुनिए साहब कहा क्या। लेकिन सर जी, कभी सु मनुष्य को समझा रहा है, कह रहा है ये मनुष्य जीवन हमें बड़े शुभ कर्मों से मिलता है, लेकिन कहा क्या, कहा जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। कवि ने कहा ये मनुष्य जीवन हमें प्रभु का भजन करने के लिए, प्रभु का नमन करने के लिए मिला है, लेकिन भैया जी कहा क्या, कहा जीव जीवन जगत में मिला है तुझे क्यों, भावना सर जी, भावना भाव भक्ति भजन के लिए जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए जीव जीवन जगत
मंदिर में प्रभु की तू मूरत सजा। कहा मन के मंदिर में प्रभु की तू मूरत सजा। धर्मेंद्र चौधरी एक कैमरा का प्रस्ताव देते हैं, बार बार धन्यवाद। कहा क्या मन के मंदिर में प्रभु की तू मूरत सजा। जैसे सजती है सजनी सजन के लिए, ओ लेकिन सर जी एक आत्मा रूपी पत्नी उस पिता परमेश्वर से कह रही है। सर जी कहा क्या सुनिए, इसी बीच ये कहने का पुरस्कार हेतराम हेतराम जी देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और सर जी कहा क्या ढोली ले के पिया द्वार पर आ गए। आज आत्मा रूपी पत्नी कह रही है पिता परमेश्वर से, कहा ढोली ले के पिया द्वार पर आ गए।
आराम से। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। बलवीर सिंह मास्टर एक कैमरा का पुरस्कार देते हैं उनके लिए, बार बार धन्यवाद। कहा ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है जो कि 10-20 बार आपने अपने कानों को द्वारा नहीं सुनी हो, लेकिन अपने ध्यान को लगा दीजिए। बात तो समय की है, जिस वक्त आज कृष्ण भगवान पांचों पांडव छठवीं रानी द्रौपदी को लेकर के कहां बन जाते हैं, आज भीष्म पिता सर सैया पे सोए हुए हैं और कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं। कह दिया है कि परम पिता पंडन को लेके, सर जी परम पिता पंडन को लेके और पास भीष्म के जा रहे हैं। अरे अब तो सर सैया पे सोए भीष्म पिता प्रभु की आस लगाए रहे, सो आज कहने लगे परम पिता पंडन को लेके पास भीष्म के जा रहे, इत सर सैया पे सोए भीष्म पिता प्रभु की आस लगाए रहे। बाबूलाल बाग का नगरा 51 का पुरस्कार देते हैं और ओमी गांव गांधोली कैमरे का पुरस्कार देते हैं और इन्होंने कैमरे का पुरस्कार दिया है उनके लिए, बार बार धन्यवाद। चतुर्बोध सरसई कैमरे का पुरस्कार देते हैं उनके लिए, बार बार धन्यवाद। आज पांचों पांडव पहुंच गए, भैया जी सबने करी प्रणाम खुशी में भीष्म बाबा। अरे कहने लगे समझाए आज में सब सुख बाबा, क्यों पूरी है गई आस, सर जी पूरी है गई आस। अरे लेके मेरे कुटुंब को तुम आएगे मेरे पास, सो तन को त्याग चलू मैं स्वामी। आज भगवान के हाथ जोड़ लिए, भीष्म पिता कहने लगे तन को त्याग चलू मैं स्वामी, आज्ञा मोकू दीजिए। आज इतने शब्दों को कह दिया, लेकिन रानी द्रौपदी ने जैसे ही भीष्म पिता के चरणों को छुआ है, सुनिए साहब होता क्या है सर जी, कहा अरे पैरे छुए जब द्रौपदी सुतमाने, अरे पैरे छुए जब द्रौपदी सुतमाने और बाबा बोले वाणी, और धियोधन पापी ने बेटी कदर न तेरी जानी। कहने लगे हो बेटी री, हो बेटी री, और आज कमन सुन लफंगाए और
सबसे ज्यादा वही बोले को चोकोरो पारो ओ कहां है। अरे घर में ना घरवारी माने, देखो गेले में कुत्ता उना निकल देगो, लेकिन जहां को पंचायत रह रही हो सबसे पहले अपनी चलावेगो। लेकिन सर जी कहा क्या है, कहा अरे घर में ना घरवारी माने, अरे घर में ना घरवारी माने और कर तो डोले दंगाए। सर जी अरे घर में ना घरवारी माने और कर तो डोले दंगाए, और जिंदे बाप को रोटी ना दई मरो लगाए दियो दंगाए, जिंदे बाप को प्रस्तुत करके गए हैं। मैं भी एक छोटा सा गाना आपके सामने पेश करना चाहती हूं। बात तो समय की है, मेरा मथुरा जिले का एक मेरा बड़ा भाई शहीद हो गया, आज उसकी डेड बॉडी उसके गांव में आ गई। आज बड़े बड़े ऑफिसर आए हैं, उसकी धर्मपत्नी ने उसकी बॉडी को देखा है। आज वो रो रो करके उस सरकार से कह रही है, सर जी कहा क्या, अरे देख लियो सब जोरी मैंने। आज उसकी पत्नी कह रही है, अरे देख लियो सब जोरी मैंने और या सरकार तुम्हारी को मेरे पति का शीश मंगा दो, मेरे बबल में हजारी को देख लियो सब चोरी में। सर जी कह क्या रही है, कहने लगी वो सैनिक थे, कह रही है वो सैनिक थे, वो सैनिक थे सजन वतन के बन के गए सिपाही। सर जी कहा क्या, कहा वो सैनिक थे, वो सैनिक थे सजन वतन के बन के गए सिपाही। और खाई कसम करूंगा रक्षा अपनी कसम निभाई है। सत्तो इसी बीच 101 में पुरस्कार सत्तो सूरत वाले देते हैं, उनके लिए 12वां धर्मवाद। सर जी कहा क्या, और इसी बीच ये 101 पुरस्कार जग्गा पंच देते हैं, उनके लिए 12वां धर्मवाद। कहा क्या, सुनिए
सैनिक थे, वो सैनिक थे सजन वतन के बन के गए सिपाही। इसी बीच ये सब मुस्कान देवेंद्र सिंह देते के लिए बारवा धनवा और कहा खाई कसम करूंगा रख्या अपनी कसम निभाई है। ओ शीश काट के ले गए दुश्मन लाश पति की आई है। सबक सिखा दो उन गद्दारों को, सुशील चौधरी ये फिर से 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं उनके लिए बारवा धम्मा। सर जी कहा क्या कहा, सबक सिखा दो उन गद्दारों को उनकी इस गद्दारी का, मेरे पति का शीश मंगा दो मेरे बबल में हजारी को। ओ कहने लगी पाकिस्तानी, सर जी पाकिस्तानी मुसलमान ये खेल गिनोना खेलेंगे। कहने लगी पाकिस्तानी मुसलमान ये खेल गिनोना खेलेंगे। और हमें बता दो तुम चुप कैसे तब तक पापड़ बेलेंगे। और वीर शहीदों के होने का गम हम कब तक झेलेंगे। और कहा समाधान कब होएगा, कहा समाधान कब होएगा या भारत की लाचारी को, मेरे पति को शीश मंगा दो मेरे पति को शीश मंगा दो मेरे बबल में हजारी को। ओ आज वो लड़की कह रही है सर जी कहां क्या, कहने लगी मेरी अपनी मुझे कोई गम नहीं है कि मैं विधवा हो गई, मुझे गम है तो किस चीज का गम है। सर जी कह क्या रही है, कहने लगी मेरी अपनी बात नहीं मैं बात हित की करती हूं। मौसी पितवा बहुत हुई मैं धेरे से मैं धरती हूँ। और मौसी पितवा बहुत हुई मैं धेरे हृदय में धरती हूँ। और रहे कि मो याद आ रहे हो, कहने लगी क्या याद आ रहा है सर जी कहा क्या, अरे रहे कि मो याद आ रहे हो वो शासन अटल बिहारी को।